हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी सेकंड ईयर की बुक अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 4 होमोमोर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप की थ्योरम नंबर 4.2.4 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये थर्ड थ्योरम होना होमोमोर्फिज्म है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप ईजी से जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और बॉयज स्टूडेंट इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वो ही देख सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि कुछ दिन बाद ये वीडियो अनलिस्टेड हो जाएगी, प्राइवेट भी हो जाएंगे। ओके, तो प्राइवेट वीडियो वो ही देख सकते हैं जिनको मैं लिंक सेंड करूंगा। तो आपने मेंबरशिप ले लेनी है, तो मैं आपके मेंबरशिप के बारे में आगे बताऊंगा। ओके, तो ये रही आपके पास थ्योरम, आपने पढ़ लेनी है। ओके, और जो बुक में दो एक्स्ट्रा दे रखे हैं उसके टाइप, वो भी आपने पढ़ लेने, वो मैंने लिखे नहीं है। ओके, तो उसका प्रूफ पार्ट सोल्व आउट करते हैं। सोल्व आउट करने से पहले आपको साइड में जो नंबर दिख रहा है ना, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप वही स्टूडेंट करना जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया हुआ है। ओके, उन्हीं को वो क्वेश्चन क्या मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में पर्सनली सेंड कर दिया करूंगा। ओके ओके, जो जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया गया वो उस नंबर पर ज्वाइन करने। ओके, तो आपको ज्वाइन करने के लिए ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, या तो आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हो। और पेड कोर्स की फीस रहने वाली है 500 बीएससी वन के लिए भी, सेकंड ईयर के भी लिए, और फाइनल ईयर की भी एक ही फीस रहने वाली है। फिर आप कौन सी भी बुक बोलो, जैसे भी बुक बोलो, जैसा भी क्वेश्चन बोलो, आपको सोल्व आउट करके दिया जाएगा। ओके, तो आपने इस नंबर पे मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल पे या फोन पे की जरूरत पड़ सकती है। ओके, उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज सकते हो। तो जल्दी से आते हैं हम इस प्रूफ पार्ट के, तो इसमें जो लेट करके मान लेना एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और जी ओवर एच, क्योंकि कॉन्स्टेंट ग्रुप में ना जी ओवर एच, तो एक फंक्शन लेना है एच ए और ए बिलोंग्स टू जी। अब हमें ना इस थ्योरम को प्रूफ आउट करने के लिए कम से कम दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन से, एक एच ए फंक्शन पड़ेगा जरूरत और एक एच बी को जरूरत पड़ेगी। तो अब हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, एच ए बी भी लिख सकते हैं, और एच ए और एच बी तो किसको बिलोंग कर रहा है, जो जी ओवर एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आपने ऐसा काम करना है। अब इनकी करनी है मैपिंग। मैपिंग बुक में दे रखी है तो मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये भी आपने कर लेना है। तो मैपिंग कैसे करनी है, एफ के साथ करनी है कोई फंक्शन, जी ओवर एच आपने इसके साथ मैपिंग कर देनी है। ओके, कोशेंट ग्रुप है ये। अब देखो इसको लिखना कैसे है, एफ एफ ए को हम लिख सकते हैं एच ए, तो एफ ओ बी को भी एच बी लिख सकते हैं। बुक में ये नहीं लिखा हुआ, मैं अपने खुद से लिख रहा हूँ, आप ये लिख सकते हो। तो इसको ए बिलोंग्स टू जी एंड तो बी बिलोंग्स टू जी भी लिख सकते हैं ना आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब आपने प्रूफ करना है एफ इज ए होमोमोर्फिज्म। तो होमोमोर्फिज्म को प्रूफ करने के लिए कम से कम दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो एफ ऑफ ए को मैं एच ए मान सकता हूँ, तो बी को भी एच बी मान सकता हूँ ना। अब देखो एक फंक्शन ए बी बिलोंग्स टू जे ले लिया, तो इसको दोनों को कंबाइन कर दो ना, ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखो इनके साथ क्या कर दो, होमोमोर्फिज्म लगा दो इन दोनों के फंक्शन के साथ। जब एफ हटेगा तो आपके पास क्या आएगा, एच आएगा, एच ए बी। अब देखो इसको अलग अलग कर दो, एक एच ए कर दो एक एच बी कर दो, इसको ब्रैकेट में लिख लो। और एच ए का वैल्यू कितना है, एफ ओ पे, तो अप्लाई कर दो ना इधर एफ ओ पे। और एच बी का वैल्यू कितना है, एफ ओ पी, आप इतना अप्लाई कर सकते हो। तो एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसा लिख सकते हो, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो आपके पास ये एक आंसर आ गया। तो आप नीचे लिख देना एफ इज ए होमो मोर फिर हम स्पेलिंग वगैरह लिख लेना। ओके, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इसका जो पार्ट है आगे हम जहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, है हमारे पास जगह बची हुई। आगे देखो करना कैसे है इसको, इन्होंने बोला कि प्रूफ। अब ये जो फंक्शन है ना हमारा एच ए ले लो, जा तो एच ओ बी। अब ये एक एक्स के साथ कंपेरिजन करवाना है, इक्वल करवाना है। अब ऑन्टो जो प्रूफ करवाना है, तो ऑन्टो के लिए हमें एक नया फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है, तो वो फंक्शन लेना हमने एक्स बिलोंग्स टू जी ओवर एच, इसके साथ चलेंगे। जी ओवर एच कहाँ गया, जे वाला, ठीक है, कॉन्स्टेंट ग्रुप है ना। अब देखो इसको हम इक्वल मान लेते हैं एक्स के, तो एच ए और ए बिलोंग्स टू जी सच डेट। अब देखो अब एच ए को क्या मान सकते हैं, एच ओ को क्या माना हुआ, एफ ओफ ए, तो इसकी जगह पे हम एफ ओफ ए लिख सकते हैं। तो एफ ओफ ए मतलब एच ए, तो सबके किसके इक्वल हो जाएगा, जे एक्स ए के, मतलब एच ए किसके इक्वल है, एफ ओफ ए के, तो जे किसके इक्वल हो जाएगा, सबका एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। आगे देखो तो ये इसको लिख देना है एफ इज ऑन्टो। ओके, इतना आपने काम कर देना है। फिर से समझा दूँ, आपने ऑन्टो के लिए ना प्रूव करने के लिए एक अलग फंक्शन लेना पड़ेगा कॉन्स्टेंट ग्रुप के साथ।
अब इसको इक्वल मान लिया एक्स इजिकल टू एच ए। अब एच ए के वैल्यू क्या होता है, एफ ए वे होता है ना, तो एफ ए किसके इक्वल है, एच ए के। अब एच ए किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हमने करना है कन्वर्जली पार्ट। कन्वर्जली पार्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको दो ग्रुप लेने पड़ेंगे, एक जी डैश और एक जी। अब ये जी डैश आपको ई डैश को भी बिलोंग करता है, और ये जो जी है ये ई को बिलोंग करता है, मतलब आइडेंटिटी ग्रुप होते हैं। ओके, बट इनको लिखने का तरीका, सबसे पहले इन दोनों की मैपिंग कर दो। देर एग्जिस्ट ए मैपिंग, एक फंक्शन में मैपिंग करनी है, जी अप्रोचेस टू जी डैश इज ए होमोमोर्फिज्म ऑफ ए ऑन्टो, क्योंकि ऑन्टो में डिफरेंट फंक्शन आता है। ओके, सेम कभी भी नहीं आता है, वो बन बन में आता है। ओके, आगे देखो कैसे करना है। एच इज इक्वल टू कर्नल एफ। अब सर ये क्या मतलब है इसका, देखो एच जो है कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, और ये नॉर्मल सब ग्रुप किसको बिलोंग कर रहा है, सभी को एफ को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप तो है, तो ये जी का ही है। ठीक है, बट ये जो इनकी मैपिंग हुई है ना, वो किसके साथ हुई है, एफ के साथ हुई है। ओके, अब देखो आप पीछे क्या लिख रहे थे, हम इस जगह पे जी अपॉन एच लिख रहे थे, बट यहाँ पे है जी डैश। अब जब दो फंक्शन डिफरेंट आते हैं तो उसको लिखा जाता है एच इज इक्वल टू कर्नल एफ, आपने सिंपल याद रख लेना हो। ओके, अब देखो एक फंक्शन लेना पड़ेगा, जहाँ पे तो एफ लिया है, जहाँ पे वो फाइव ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट अलग फंक्शन लेना है आपने। ओके, अब इसको लिखना कैसे है, फाइव रेशो मतलब मैपिंग जी अपॉन एच अप्रोचेस टू जी डैश, आपने चेक कर देना है। ओके, आगे देखो, अब वो जो फाइव और एच ए के बराबर मान लेना है, किसके इक्वल हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, जी आपको मानना पड़ेगा। आगे आप इसको कैसे लिख सकते हो, और एच ए बिलोंग्स टू जी ओवर एच, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। आगे देखो कैसे करना है, ये आपने लिख दिया, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एफ ओफ एक फंक्शन है ना, ये किसको बिलोंग कर रहा है, जी डैश को। अब एफ ओफ ए की वैल्यू क्या है, जे, तो उसमें पुट कर दो ना फाई और एच ए, और आपके पास क्या आ जाएगा, बिलोंग टू जी डैश। ओके, अब फाई इज वेल डिफाइंड, आपने ऐसा लिख देना है। और आगे क्या करना है, आपने एक फंक्शन फिर से उठा लेना है पीछे का, एच ए और एच बी, जे पीछे करके आए हैं, बिलोंग टू जी ओवर एच। अब ये दोनों क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ओके, एच ए इज इक्वल टू एच बी, आप ऐसा भी कर सकते हो, एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ बी, उसकी वैल्यू पुट करके तब भी इक्वल आ सकता है। ओके, अब क्या करना है, कर्नल एफ मतलब एच इज ए कर्नल एफ है ना, अब इसकी कंडीशन अप्लाई करनी है। इसकी कंडीशन अप्लाई करने कहाँ कैसे की जाती है, इनवर्स में की जाती है। किसमें की जाती है, इनवर्स में की जाती है। तो वो आपने कैसे करनी है, हम क्योंकि ये एच को बिलोंग कर रहा है ना, तो कर्नल एफ की ए बी इनवर्स बिलोंग, मतलब ए बी इनवर्स वन बिलोंग्स टू एच। कर्नल एफ हमेशा इनवर्स में फाइंड आउट किया जाएगा। ओके, आप आगे इसको लिखना, वर एच इज ए कर्नल एफ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब देखो एक फंक्शन, अब ये दोनों क्या करना है, फंक्शन के साथ रिलेट करना है, एफ ऑफ ए ए बी इनवर्स वन और ई डैश। सर ये ई डैश कहाँ से आया, एक आइडेंटिटी मैंने अभी ऊपर बोला था ना, ये जी डैश किसको बिलोंग करेगा, ई डैश को बिलोंग करेगा। ओके, आपने इतना याद रखना, और ये ई डैश हमेशा वन के बराबर होते हैं, इतना आपने याद रखना, मतलब यहाँ पे वन आ सकता है, तो वन की जगह पे ई डैश अप्लाई किया है। ओके, आगे देखो इनको ना थोड़ा सा सेपरेट कर दो, मतलब अलग अलग कर दो। ओके, प्यार से अलग अलग करना है, ई डैश आ जाएगा। ओके, अब क्या करो, फिर से ये लिख दो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, के ही तो थ्योरम होती है ना कि रट्टे मारने वाली होती है, तो ये भी थोड़ी तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने पीछे से समझना, ये पावर बस ब्रेक कर दिए, ऊपर लेके गए हैं। ओके, अब क्या करना है, जहाँ पे एफ ऑफ बी, जहाँ पे डिवाइड करना है, जहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, और देखो पहले समझो ध्यान से, मैं करता हूँ। ओके, एफ ओ ए एफ ओ बी ऐसे किया आपने, और ये इनवर्स वन, इसके मल्टीपल में आपने पहले एफ ओ बी मल्टीपल में रखना है, फिर एफ ओ बी डिवाइड में रखना है, और ये ई डैश आ जाएगा। अब ये नीचे वाला एफ ओ बी है, इसके साथ मल्टीपल में चला जाएगा, तो आप इसको लिख दो ना ऐसे, एफ ओ बी ऐसे इनवर्स वन, और ये आ गया एफ ओ बी, और नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इतना तो आप काम कर ही सकते हो ना। अब आगे देखो इसको काट दो, अब ये देखो पावर -1 है ना, तो ये है, तो ये कट जाएगा ईजी से। अब आपके पास क्या बच गया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बच जाएगा आपके पास एफ ओ पे, मतलब यहाँ पे तो वन बचेगा, वन किसको बिलोंग कर रहा है, ई डैश को बिलोंग कर रहा है ना, तो हम जहाँ पे ई डैश लिख सकते हैं ना, ई डैश, तो ये वाला हम छोड़ रहे हैं इसको, इसकी जगह पे हम सीधा लिख सकते हैं एफ ओ बी को, ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ओ बी आता है, देखना है ई लिख देना साथ में, क्योंकि ई वन है आपका,
तो आपने इतना कर देना है। अब ई डैश के आपके पास 1, तो दोनों के आगे हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आ गया। तो आपको पता है एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ऊपर फाइव एच ऑफ ए और फाइव एच ऑफ बी हो सकता है। ओके, ये तो एक पार्ट हो गया। तो आप लिख सकते थे नीचे फाइव इज वेल डिफाइंड। अब आगे देखो कैसे करना है, फाइव इज ए होमोमोर्फिज्म के लिए करना है। होमोमोर्फिज्म में आपको कहाँ करवाऊँ, यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। फाइव इज होमोमोर्फिज्म मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो आपने फुल वॉच करनी है। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखो होमोमोर्फिज्म के लिए आपको दो फंक्शन चाहिए, एच ओ ए और एच ओ बी, बिलोंग्स टू जी ओवर एच। ओके, और ये ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को बिलोंग कर रहे हैं, आपने लिख लेना है। तो फाइव एच ऑफ ए और एच ऑफ बी, आगे क्या करना चाहिए, फाइव ऐसे लिखा और एच हमने एक करके लिख लिया और ए भी हमने अलग कर दिया। ओके, अब देखो फाइव हटेगा तो एफ आएगा, तो आपके पास बन गया ए बी। अब इसको अलग कर दो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की फाइव है ना, तो फाइव एच ए और क्या आ जाएगा, फाइव एच बी, जे आ जाएगा। तो इस इधर लिख सकते थे आप फाइव इज ए होमोमोर्फिज्म जी अपॉन एच इंटू जी, या तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ओके, आगे आपने काम करना है एक ऑन सॉरी वन वन के लिए। तो वन वन के लिए क्या काम करना है, आपने दोनों युक्ल रखने हैं। युक्ल कैसे रखने हैं अभी बताते हैं, इधर ध्यान से है, लेट इधर लिख लेना फाइव इज वन वन। ओके, थोड़ी सी जगह में कर लेना आप मैनेज। ओके, दिख रहा है ना। तो इधर आपने क्या करना है, दो फंक्शन लेना है, लेट एच ए एंड एच बी बिलोंग टू जी ओवर एच, ऐसा लिख सकते हो, जी ओवर एच। अब ये दोनों फंक्शन क्या करना है, इक्वल कर देना है, फाई एच ऑफ ए फाई एच ऑफ बी। हाँ जी, अब इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ ए पुट कर सकते हैं, जहाँ पे आ गया एफ ऑफ बी। हाँ जी, अब देखो एक काम करना है, जहाँ पे आपने प्यारा सा एफ ऑफ ए दिख रहा है ना, इसके साथ क्या करना है, एक एफ ऑफ बी इधर आपने डिवाइड कर देना है इसके, ठीक है, एफ ओ ए के साथ एफ ओ बी डिवाइड कर देना है। इधर भी आपने क्या करना है, एक एफ ओ बी के साथ इधर डिवाइड कर देना है। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। ओके, क्योंकि जब एफ ओ ए के नीचे डिवाइड में जाएगा ना एफ ओ बी, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो ना कैसे लिखा जाता है, ये दोनों कट जाएंगे, वन बच जाएगा ना आपके पास, तो इधर क्या बच गया, एफ ओ ए एफ ओ बी इनवर्स वन। आगे देखो कैसे करना है, इधर क्या बच गया, ई बच गया, मतलब वन बच गया ना। तो अब इन दोनों को कंपैरिजन करके लिख दो, ए बी इनवर्स वन इज इक्वल टू ई ई डैश। ओके, तो ये दोनों को ऐसे लिख सकते हो आप। अब एफ हटेगा तो हमारे पास कर्नल एफ लगेगा, देखो कैसे, ए बी इनवर्स वन बिलोंग्स टू कर्नल एफ, जे एफ इधर चला जाएगा तो कर्नल एफ लग जाएगा। अब कर्नल एफ हटेगा तो क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है, आपने इतना याद रखना है, ए बी इनवर्स वन एच। अब ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, कहाँ से निकल के आए थे, यहाँ से निकल के आए थे, तो उसको लिखना कैसे है, एच ए इज इक्वल टू एच बी, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि तो बन बन में दोनों रिजल्ट क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। अब ऑन्टो के लिए क्या करना है, फाई इज ऑन्टो। अब ऑन्टो के लिए एक फंक्शन आपने एक्स लेना होता है, एक वाई लेना होता है, तो इधर देख लेते हैं कि कौन सा लिया हुआ है। ओके, इधर इन्होंने वाई लिया हुआ है, तो हम भी क्या ले लेते हैं, वाई बिलोंग्स टू जी डैश। ओके, अब इसको फंक्शन के मैपिंग के साथ क्या लेना है, जी अप्रोचेस टू जी डैश, तो इधर लिख लो, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, जी आपको लाइन लिखनी ही पड़ेगी। ओके, बुक में भी ऐसे लिखा है पर थोड़ा सा मैंने काट दिया हुआ है, तो आपने ऐसे लिखना है। अब ये दोनों फंक्शन क्या करना है, एक फंक्शन एक्स लेना है, जे देखो एक्स ले लिया, एक फंक्शन वाई लेना है, तो आपका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, आप इतना भी छोड़ सकते हो इसको। तो नीचे क्या लिख सकते हो, फाई एच ऑफ एक्स और फाई इधर क्या आएगा, सॉरी फाई नहीं आएगा, एच ऑफ एक्स और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और ये वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। आगे आप इसको लिख सकते हो फाई इज ए ऑन्टो, तो नीचे आप इतना कर सकते हो इसको, फाई जी ओवर एच अप्रोचेस टू जी डैश इज ए होमोमोर्फिज्म वन वन एंड ऑन्टो। तो आगे आप इतना लिख सकते हो, जी अपॉन एच जिस कंकरेंस जी डैश, ठीक है, आप इतना भी कर सकते हो। तो ये इतना भी आंसर ठीक है, आगे का भी आंसर ठीक है। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।